For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस का बेहद ही पसंदीदा शो यह मोहब्बतें में यूं तो दर्शकों को आए दिन कई बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहते हैं और ऐसा ही कुछ आप सभी को इस सीरियल के पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला होगा जहां आपने देखा कि कैसे रमन और इशिदा की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इशिदा यह सब कुछ रमन की याददाश्त वापस लाने के लिए कर रही है, लेकिन इस सब के बीच में भी सिमी भड़का देती है रमन को इशिदा के खिलाफ, जिसके बाद आपको बता दें कि रमन भी इशिदा को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है और साथ ही साथ तोड़ना चाहता है वो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपको बता दें कि रमन चाहकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ पाएगा और साथ ही साथ आपने सीरियल के पिछले एपिसोड में ये भी देखा कि कैसे शगुन को हो जाता है इशिता की हरकतों पर शक, जिसके बाद शगुन भी इशिता से कई सवाल जवाब करती हुई नजर आती है। लेकिन आपको बता दें कि इशिता इस सब प्लान में शगुन को भी शामिल नहीं करेगी। लेकिन इस सीरियल की कहानी में बड़ा मोड़ तो तब आया जब एक बार फिर से इशिता और आलिया एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाते हैं और साथ ही साथ वो प्लान होता है अपने पड़ोसियों को भगाने का, जिसके बाद आपको बता दें कि अब बहुत ही वो पड़ोसी इस घर से भाग जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इशिता अपनी पूरी अय्यर फैमिली के साथ उसी घर में साथ रहती हुई नजर आएगी। और अब आप इस सीरियल के आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे एक बार फिर से रमन और इशिदा के बीच में जंग का ऐलान होगा और वो जंग होगी सीईओ ऑफ द ईयर की। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि इशिदा रूही को रमन की दवाइयों के बारे में सारी सच्चाई बता देगी, जिसके बाद रूही भी अपनी इशिमा यानी कि इशिदा की मदद करती हुई नजर आएगी। मतलब क्या होगा सीरियल की कहानी के अंदर, इस बात की पूरी जानकारी हम आपसे फैंस तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बन रही हमारे साथ और साथ ही साथ शेयर करें अपने व्यूज हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.